अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ इन स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज है 5.13। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टर मेथड। तो चलें फिर आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक बार से इसी तरह से उतारना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स, वाई और बी, नीचे है 9। तो अगर हम 9 को 3 कर दें और x को कर दें 2 और y को कर दें 3 और इसको दे दें स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 जो है वो 3 3 9, x जो है 2 2 4 और 3 जो है वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये y 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं लास्ट वाले को पहले। तो यहाँ पर 16 है तो इसे 4 कर दें और y को कर दें अगर 3 और x का x ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम स्क्वायर दे दें तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, एक्स पे स्क्वायर आ गया, 3 2 6 होके वाई पे 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, दरमियान में प्लस है, तो हम यहाँ पर इसे 2ab बना सकते हैं। किस तरह से, 2 लगाना है, ए है ये हमारे पास और बी है 4x/y³। तो अब यहाँ पर 8 किस तरह से ये बनेगा, तो ये देखें हमारे पास है 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, और नीचे है हमारे पास 3, y³ से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x के साथ जो x है वो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके x³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम यही वैल्यू ही है। तो अब यहाँ पर ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फार्मूले की शक्ल इसे देंगे, तो ये है x²y³/3+4x/y³। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो ये देंगे हम रूट देंगे इसे, तो x²y³/4xy³² रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया x²y³/3+4x/y³ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है a²+1/a²-4a-1/a+2। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबसे पहले हमने एक बार से इसी तरह से उतारना है a²+1/a²-4 फिर a-1/a+2। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला क्या है, a-1/a² जो कि इक्वल होता है a²-2a1/a+1/a². ठीक है, a-1/a+2 इज इक्वल टू a²+1/a². ठीक है, अब देखें यहाँ पर है a²+1/a², तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a-1/a² ठीक है। अब ये देखें ना, पहले जो फार्मूला था वो है a-1/a²-a²-2। अब यहाँ पर जो देखें तो इस फार्मूले को हमने इस फार्मूले में तब्दील किया है, वो किस तरह से, ये a जो है वो इस a से कैंसिल हो गया, तो 2 1 2 हो गया और a²+1/a² आ गया। ठीक है, और ये 2 जो है माइनस का वो यहाँ पर आके प्लस का हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि a-1/a² है ना, अब ये प्लस 2 है तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि इक्वल है a²+1/a² जो कि ये है। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर सेम वही अगली वाली आ जाएगी जो कि आगे है -4 और a-1/a+2। ठीक है, अब यहाँ पर a²a-1/a² अब ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर हम इसे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब a-1/a² इस पूरे को हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसे करें -2 और है a-1/a है, तो यहाँ पर इसे a-1/a ही रहने दें और एक 2 हम इधर ले आए, फिर प्लस ये जो 4 है इसका
स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ पर इस तरह करने से इसने एक फॉर्मूले की शक्ल इख्तियार कर ली है, और वो फॉर्मूले की शक्ल क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हमने इसे फॉर्मूले की शक्ल दी, यानी कि a माइनस बी, तो a है हमारे पास a माइनस वन अपॉन ए, देन माइनस, और b है 2, ठीक है, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो a माइनस वन अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, a माइनस वन अपॉन ए माइनस टू आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।